मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना वायरस का खतरा इतना बढ़ गया है कि अब मुमरा, कलवा, दीवार, ठाणे में 3 दिन दुकानें बंद रहेंगी। आज सुबह जैसे ही लोग अपनी दुकानें खोलने लगे तभी पुलिस ने दुकान बंद करा दिया। सिर्फ सब्जी, दूध और मेडिकल स्टोर ही खुले रहेंगे। बाकी होटल, चाय की दुकान, किराना स्टोर से सभी तरह की ऐसी दुकानें बंद रहेंगी। पुलिस की टीम मुमरा रेलवे स्टेशन से लेकर शिमला पार्क तक सभी दुकानें बंद करवा रही है, मगर देखा जा रहा है कि पुलिस एक तरफ दुकान बंद करवा कर जाती है तो दूसरी तरफ दोबारा दुकान खुल जा रही है। हम आपको मुमरा मार्केट की तस्वीरें दिखाते हैं, ये देखिए किस तरह से पुलिस दुकानें बंद करवा रही है ताकि भीड़ ना हो सके और कोरोना वायरस को फैलने से रोकथाम किया जा सके। कुछ लोग अपनी दुकानें तो बंद भी कर दिए हैं, मगर कुछ लोग कलवा, मुमरा, दीवा, ठाणे बंद होने के बाद भी दुकानें नहीं बंद कर रहे। ये तस्वीरें आज दोपहर की है दारुल फला मस्जिद से आगे की, जहां ये दुकानें खुली हुई हैं। आपको इसी तरह की खुली हुई दुकानों की और भी तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखें मुमरा पारसिक टर्मिनल के पास की है, ये दुकानें खुली हुई हैं, और जबकि मुमरा शहर में पुलिस कोरोना वायरस को लेकर एहतियात बरतते हुए सभी दुकानें बंद करवा रही हैं। सुबह से ही इन लोगों ने दुकानें नहीं बंद की हैं। वहीं कुछ लोगों में कहीं ना कहीं दुकानें बंद तो कहीं खुली हैं, जिसकी वजह से नाराज़गी भी है। इन लोगों ने कैमरे पर बोलने से मना कर दिया है और ऑफ कैमरा ये ज़रूर बताया है कि 3 दिन दुकानें बंद रहेंगी, तो जो लोग दुकानें खोल कर धंधा कर रहे हैं उनका भी दुकान बंद होना चाहिए। मगर पुलिस का कहना है कि पुलिस मेडिकल, दूध की दुकान और सब्जी की दुकान छोड़कर और सभी तरह की दुकानों को बंद करवा रही है। वहीं बंद के जानकारी मिलते ही दूध सब्जी खरीदने वालों की भीड़ लग गई। फिलहाल अभी लोग वही भाव में सब्जियां, टमाटर और प्याज खरीद रहे हैं, मगर सब्जी विक्रेताओं ने बताया है कि बंद का असर पड़ेगा और सब्जियों, टमाटर, प्याज, आलू के दामों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। 3 दिन का ये बंद है, मगर किराना दुकान, होटल बंद होने से लोगों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। जो हमेशा होटल में खाना खाते हैं वो अब सोच में पड़ गए हैं कि अब वो खाना कहाँ खाएंगे। वहीं जो लोग हर रोज़ अपने एक दिन की कमाई से 1 किलो चावल, दाल, तेल हर रोज़ खरीदते थे, उनके सामने भी 3 दिन की मुसीबत खड़ी हो गई है। वहीं अगर बात करें यातायात की तो शहर में ऑटो चल रहे हैं, मगर हर रोज़ की तरह भीड़ कम है। रेलवे में सफ़र करने वालों की संख्या भी घटी है। लोग कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादातर घरों में है और यात्रा नहीं कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पर ही यात्रा कर रहे हैं। आपको बता दें कि 3 दिन का ये बंद है, रविवार तक इसी तरह से बंद रहेगा। और आपको ये भी बता दें कि कोरोना वायरस जैसे खतरनाक वायरस से बचने के लिए ये कदम उठाया गया है। जिस तरह से तेज़ी से ये वायरस फैल रहा है, रोकथाम बेहद ज़रूरी है। जनता को भी इसमें सरकार और पुलिस के निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।